अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। करीब दो माह बाद भी पुलिस AIM पार्षद जुबैर अंसारी हत्याकांड का खुलासा नहीं कर पाई है। अलबत्ता इतना जरूर हुआ है कि एक आरोपी का बेटा पुलिस दबिश से तंग आकर आत्महत्या जरूर कर चुका है। आज पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पार्षद के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। ओवैसी ने यहां मेरठ के किठौर इलाके में एक जनसभा को संबोधित करने आए हुए हैं। दरअसल बीते 28 अगस्त को मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र स्थित संतोष हॉस्पिटल के निकट पार्षद जुबैर की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वह कहीं जाने के लिए स्कॉर्पियो में बैठने ही वाले थे। इस हत्या के पीछे शुरुआती समय में पुलिस ने प्रॉपर्टी विवाद बताया था। कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। शास्त्री नगर सेक्टर 13 निवासी हाजी फतेहाब को भी हिरासत में लिया गया, लेकिन हाजी के बेटे द्वारा आत्महत्या किए जाने पर पुलिस ने फतेहाब को भी छोड़ना पड़ा था। आज असदुद्दीन ओवैसी ने परिजनों से मुलाकात तो की, लेकिन इस मौके पर मीडिया से परहेज किया। बाद में मीडिया को परिजनों ने यह बताया। सहानुभूति के लिए आए थे जुबैर भाई के लिए, उनकी पार्टी से पार्षद है और एक्टिव थे और आने वाले 2022 के चुनाव के लिए टिकट की तैयारी भी थी, टिकट भी दे रहे थे अभिषेक साहब जुबैर को। तो वो ऐसे वक्त में उनका मर्डर दिन दहाड़े हुआ है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने, कुछ करी भाग दौड़ मगर कोई अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। हमने बताया कि उनकी जो बेवा है फातिमा, वो बेचारी इद्दत में थी, जब भी वो पुलिस चौकी में जाकर बैठी अकेली गई थी और पर्दे में रही बेचारी। वो ये जवाब थे कि पुलिस कुछ करने की वादा किया था पुलिस ने एक हफ्ते का, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने। आप अगर इसमें मदद करेंगे तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं जो सही कातिल है, जिनको सही जिन्होंने किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। ये काम और बच्चों से बात करिए, बेटे तुम क्या बनना चाहते हो, पढ़ लिख के ये बच्चों से बात करिए। तो आयाद के लिए आए थे इस टाइम, तो कुछ खास ही कुछ बताने। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।